कार्य प्रगति पर है, कृपया धीरे चलें। और एक और बोर्ड लगा है सामने, डायवर्सन और एरो बना हुआ है कि आप राइट साइड से निकल सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम जगदीशपुर के मुसाफिर खाना रोड पे हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, लखनऊ बनारस फोर लेन हाईवे के बाद एक और रोड पास हुआ है जो जगदीशपुर से अयोध्या के लिए स्पेशली फोर लेन हाईवे बनाया जा रहा है। तो अभी उस रास्ते को रेलवे फाटक निहालगढ़ के उस पार रोक के साइड से निकाल के लाया जा रहा है, जिसका फोर लेन हाईवे का पुल मुसाफिर खाना रोड पे बन रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं सामने ये। तो ये फोर लेन हाईवे का पुल है जिसमें अभी तीन बड़ी बड़ी जो पिल्लर हैं साइड की दीवारें वो खड़ी हो चुकी हैं और इसका काम चल रहा है। सामने देख सकते हैं यहाँ पे जेसीबी वगैरह मशीनें लगी हैं। एक दीवार ये है और बीच में एक ये है और तीसरी ये है। तो कुछ इस तरह आप देख सकते हैं पुल के निर्माण का कार्य किया जा रहा है। और यहाँ पे साइड पे भी सर्विस के लिए खड़ी कुछ गाड़ियाँ हैं जिसमें बुलडोजर, रोलर और कई सारे मशीनें हैं। और उसके बाद साइड से वहाँ पे गटर भी बनाया जा रहा है, ये देख सकते हैं। तो ये अभी हम दिखा रहे हैं लखनऊ बनारस का जो पुराना नेशनल हाईवे 56 है उस रोड का। और इस रोड पे जो पहले का रोड था वो दोबारा से फिर से ठीक कंडीशन में बना दिया गया, जैसे कि आप देख सकते हैं सामने पूरा क्लियर रोड है। लेकिन अभी जो ये आपको दिखा रहे हैं ये हिस्सा जगदीशपुर के मुसाफिर खाना रोड पे आप देख सकते हैं ये पुल के निर्माण का कार्य चल रहा है। एक वीडियो हम पहले ला चुके हैं, ये हमारा सेकंड वीडियो है। अब जैसे जैसे इसकी अपडेट होती रहेगी आप लोग को दिखाएंगे, जैसे जैसे बनता जाएगा कंप्लीट होने तक आपको दिखाएंगे। और इस क्षेत्र के बारे में आप लोग को पता होगा, इसके पास एक इंटर कॉलेज हुआ करता था जो भी बहुत पुराना हो चुका है, तो इसी के पास है, जिसका नाम था शायद RMP राजा मलिक पाल स्कूल करके था, उसी के पास ये पुल का निर्माण कार्य चल रहा है जो आगे फोर लेन हाईवे सामने से आएगा और ऐसे क्रॉस करते हुए ऐसे जाके पुराने वाले लखनऊ बनारस हाईवे पर मिल जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आपको दिखाई ये पुल का निर्माण कार्य चल रहा है और इसी के पास जो भी साइड का रोड है वो किस तरह से भी क्लीन किया जा रहा है। सामने देख सकते हैं कितनी चौड़ाई में ये है और सामने रेलवे फाटक है, तो वहाँ पे भी एक अंडरपास बनाया जाए, रेलवे फाटक को क्रॉस करके पुल बनाया जाएगा। एक पुल वहाँ पर बनेगा, उसके बाद ये रोड होगा, उसके बाद ये वाला पुल है। तो कुछ अलग नज़ारे के साथ होगा यहाँ का जो भी नज़ारा होगा इस क्षेत्र का। अब आस पास के लोगों की तो समझ लो जो प्रॉपर्टी है सोना चांदी हो गया, हीरा हो गया है, क्योंकि महंगा भी हो गया। उसके बाद उनके पास ये इतना बड़ा हाईवे निकल रहा है बढ़िया से, और ये सारी चीज़ें आप लोग को दिखाना चाहिए। दूसरे साइड से आपको दिखा दें, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और जल्द ही शायद ये पुल तैयार हो जाएगा। तो जैसी अपडेट रहेगी आप लोगों के बीच रहेंगे। तो कैसा लगा ये आपने क्षेत्र का ये जो भया विकास हो रहा है, कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही अपडेट वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से थोड़ा सा नज़ारा दिखा दे रहे हैं, ये देखिए कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, यहाँ पर मजदूर वगैरह लगे हैं। जय हिंद, जय भारत।